इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो जुड़ी है किसान आंदोलन से। संयुक्त किसान मोर्चा SKM करेगा महापंचायत। 7 सितंबर 2024 को हिसार में होगी मजदूर किसान पंचायत। संयुक्त किसान मोर्चा SKM की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के किसान विधानसभा चुनाव में BJP को बेनकाब करेंगे, उसका विरोध करने और उसे दंडित करने के लिए बड़े पैमाने पर लोगों को इकट्ठा करेंगे। भाजपा की हार से ही देश में MSP गारंटी कानून लागू होगा और छोटे और मध्यम किसानों साथ ही खेत मजदूरों को प्राथमिकता मिलेगी और उनके कर्ज माफी की दिशा में काम होगा। किसान विरोधी मजदूर विरोधी BJP नीति NDA को करारा झटका देने में किसान और मजदूरों का आंदोलन कोई कसर नहीं छोड़ेगा। संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच के हरियाणा राज्य समन्वय समितियों ने 7 सितंबर 2024 को हिसार में किसान मजदूर पंचायत बुलाने का संकल्प लिया है। इस सम्मेलन में जमीनी स्तर पर बड़े पैमाने पर अभियान चलाने की ठोस कार्य योजना पर चर्चा की जाएगी और इसकी घोषणा की जाएगी। इस पंचायत में किसान और मजदूर संगठनों के अखिल भारतीय नेता शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर में भी किसान संगठन और ट्रेड यूनियनों मिलकर गांवों और कस्बों में घर घर जाकर बड़े पैमाने पर अभियान चलाएंगे ताकि BJP की कॉरपोरेट समर्थक नीतियों को बेनकाब किया जा सके। ये नीतियाँ बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि और असमानताएं पैदा कर रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों का निजीकरण कर रही है। किसानों और मजदूरों को न्यूनतम समर्थन मूल्य, साथ ही न्यूनतम मजदूरी और व्यापक ऋण माफी से वंचित कर रही है। साथ जम्मू कश्मीर के लिए राज्य के दर्जे की मांग करता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 24 फसलों के लिए MSP का झूठा दावा करके किसानों को गुमराह करने का प्रयास किया था। इसी तरह कर्मचारी 26,000 रुपए प्रति माह न्यूनतम वेतन और आंगनबाड़ी, आशा और मध्यम भोजन सहित विभिन्न योजनाओं में उनकी नौकरियों के नियमितीकरण और 4 लेबर कोड को वापसी की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे थे। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान तक। किसान तक खाना है तो उगाना है। 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 अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।